मॉर्निंग दोस्तों, सुपर ग्रहणी में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है मेरे बेटे का बर्थडे, मेरे आरव का बर्थडे। तो मेरा सिंदूर देखो नाक में लग गया। तो मैं बहुत खुश हूँ आज। और आरव की क्लास हो चुकी है और वो नहा धो के हो गया है, फ्रेश, पूजा कर ली है और मैं जा रही हूँ अब नाश्ता बनाने। आरू है मम्मी के साथ छत में, तो पहले फटाफट बना लेती हूँ नाश्ता। तो आज सब कुछ बनेगा आरव के फेवरेट चीज़ों में से हर चीज़। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, जो कि है आरव का फेवरेट। तो सबसे पहले बना लेती हूँ आलू का पराठा और जो चीज़ें बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो चलिए फिर दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। तो यहाँ रेडी कर लिया है मैंने सब कुछ। ये बना लिया है मैंने आलू का पेस्ट और आटा, सब कुछ कर लिया है। तो सबसे पहले बना लेती हूँ आरव का फेवरेट आलू का पराठा और साथ में ही चढ़ा दूंगी मैं गाजर। तो रात को मेरे हस्बैंड ने करके रख दिया था कद्दूकस, इसको अच्छे से क्रश करके रख दिया था। तो अब इसको सबसे पहले चढ़ा दूंगी कुकर में और साथ साथ बना लूंगी परांठे और आपको अपडेट देती रहूंगी। तो आज मेरी आएंगी बड़ी वाली ननद है जो, वो आएंगी बस, क्योंकि सबसे नज़दीक उनका ही घर है। नाना नानी ने आना था पर नाना नानी दूर है तो इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। और आरब को भी मिलाऊंगी मैं, अभी छत में जा रखा है वो, तो जैसे आता है आप सबसे मिलाती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलाती हूँ मैं आप आरब से। हेलो, तो यहाँ हो गया है आरब रेडी। और क्या कर रहे हो आप? तो इसकी छोटी वाली बुआ, वो लाए थे इसके लिए MM, तो वो ये खा रहा है। और खुश हैं आज आप बहुत? क्या है आज? बजे तो आज आरव का बर्थडे है तो बहुत खुश है ये। और ये इसमें चल रहा है। और आपको अपनी ड्रेस कैसी लगी? अच्छी। बाय कर दो फिर। बाय। कोई बात नहीं। तो यहाँ से अच्छे से पक गया है हमारा गाजर। इसमें 2 सीटी लगा दी है मैंने और अब इसमें डाल दूंगी मैं दूध। बहुत है, इनफ है, आधा लीटर दूध। अब टाइम हो रहा है 12:30 बजे का और ऑलमोस्ट सुबह का काम मेरा झाड़ू झाड़ू झूड़ू और नाश्ता बर्तन सब हो गया है। बच्चे बाहर हैं, मैं दिखाती हूँ कहाँ हैं। साइकिलिंग कर रहा है आरव और आरव बैठा है अपने दादी के साथ धूप में। तो मेरे बाल सूखे नहीं हैं क्योंकि मैं छत में ही नहीं गई हूँ। और अब मैं करूँगी सीधा खाने की तैयारी क्योंकि मेरी बड़ी ननद ने आना है तो उनके लिए खाना खुना बनाना है। तो चलिए फिर मैं दिखाती हूँ बच्चे कहाँ हैं। ड्राइंग रूम में मेरे हस्बैंड सोते हैं क्योंकि दोनों बच्चे मेरे साथ सोते हैं तो बेड में जगह ही नहीं होती है। तो मेरे हस्बैंड सोते हैं ड्राइंग रूम में और दिखाती हूँ मैं क्या हाल है यहाँ का। तो ये देखो, यहाँ पे कुछ फेंका है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ कुछ है। तो ये करते हैं मेरे हस्बैंड, जहाँ पे जो चीज़ लाते हैं वो चीज़ वहीं फेंक देते हैं। तो ये देखिए, बलून्स लेके आए हैं थोड़े बहुत डेकोरेशन के लिए और थोड़े बहुत डेकोरेशन का सामान लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड कल। तो मैं फटाफट यहाँ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। तो मेरे हस्बैंड गए हैं मार्केट अभी, तो और फटाफट से काम कर लेती हूँ मैं और बहुत सारा काम है। तो चलिए फिर, कुछ सोचते नहीं है और फटाफट से काम में लग जाती हूँ। बाद में भी, अभी नहीं। हाँ, अभी बाद में मैं अपने बुला दूंगी।
तो यहाँ सुला दिया है मैंने आरू को और वो सो गया है। और बाहर का मौसम हो रहा है आज ऐसा, हल्की हल्की धूप है अच्छी सी। तो चलिए फिर अब कर लेती हूँ किचन में काम। तो यहाँ बना रही हूँ मैं लंच, लंच में बना रही हूँ सबसे पहले मैं तिल की चटनी और साथ में बना रही हूँ मैं जीरा राइस और राजमा की दाल और पनीर की सब्जी। तो फटाफट से बना लेती हूँ खाना और फिर जाऊँगी आरू के पास। तो ये और यहाँ कौन है? हेलो हाय। तो क्या लेके आए हो आरू के लिए? कार्ड। वाओ awesome. थैंक यू बहुत अच्छा लगा। तो ये दोनों ने बनाया और यहाँ आरू है। तो बस खाना अब चिकन रह गया है और सारा खाना मैंने बना दिया है और अभी दिखाऊंगी मैंने क्या क्या बनाया है। तो आरू के पास आ गई थी मैं क्योंकि थोड़ा सा परेशान करने लग गया था मम्मी को। तो अब बस खाना पीना खा के बर्तन धो के फिर बर्थडे की तैयारी करेंगे। मेरे हस्बैंड सामान लेने ही गए हैं तो बस वही समोसा चाय चुई वही रखा है। दिखाऊंगी मैं क्या क्या रखा है। मेरी बड़ी ननद भी आ गए हैं उनको भी दिखाऊंगी। तो आरू वहाँ पे पीछे जा रहा है अपने भाई के। मिस्टी आ गई। हेलो मिस्टी। तो ये मिस्टी बनाया मैंने जीरा राइस और ये बनाया राजमा की दाल यम्मी और ये बनाया है गाजर का हलवा और ये बनाई है तिल की स्पाइसी चटनी और ये बनाया है पनीर मसाला बनाया है मैंने सिंपल पनीर मसाला। तो ये बनाया है चिकन। तो बस ये है आज का हमारा लंच। ओके हाय। हेलो। तो आपका स्वागत है मेरे किचन में हमेशा की तरह। हेलो कृष्णा। हेलो। ये कौन है भाई? आपका नाम बता दो और बताओ आज क्या है बता दो। आज का बर्थडे बोलो। बर्थडे आज तो आप नाम बताते ही नहीं आप। और यहाँ है बर्थडे बॉय। हेलो हेलो। तो ये है मेरी ननद। मेरे को तो आप जानते ही हैं मेरी बड़ी ननद को और सारा काम यही देखती है हमारे घर का। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to your Arab, happy birthday to you, may God bless you, may God. बांटने वाले को भी दिखा दो। फिनिश। सब लोग जा चुके हैं घर और टाइम हो रहा है 6 बजे का और हम लोग हैं बस। अब हमारी फैमिली मेरी ननंद है वो भी चले गए हैं क्योंकि मम्मी
उनकी जो सासू माँ है वो घर पे ही थे, तो बस वो चले गए और हम लोग हैं घर पे, मैं हमारे हमारा परिवार यानी कि। और ये है आरू, तो आरू आज बर्थडे में सोता ही रहा, अभी थोड़ी देर पहले ही उठा है और ये खुश हो रहा है बलून देख के। आरू, ओ देखो आरू कैसा लगा आज, बहुत ज्यादा अच्छा। तो मेरा आरव आज 7 ईयर का हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। गॉड ब्लेस यू को, मेरे बाबू को। हाँ देखो आरव क्या कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ और बस अब रात को बस थोड़ा बहुत खाना खुना बनाएंगे, और मैंने केक तक भी नहीं खाया, मैं केक खाऊंगी। और बस मेरा कुर्ता मैंने ऐसे बनाया हुआ था, तो कैसा लग रहा है बताइएगा। तो चलिए फिर मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पे एंड कर दूँ। आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा अपने घर परिवार के साथ। जैसे कि वो देखो वहाँ पे कैसे जा रहा है आरू, आरू बाबा, आरू आरू। तो चलिए फिर बाय, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। तो बाय, एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे मेरा प्यारा बेबी आरव। बाय गाइज़।